राघव और जगदीश दो भाई थे। राघव का बर्फ गोले का ठेला था और वहीं जगदीश वैसे तो कोई काम नहीं करता था, लेकिन फिर भी पैसे कमा ही लेता था। ये लीजिए भाभी जान, बाजार गया था तो आपके लिए ये साड़ी अच्छी लग गई। साड़ी तो बहुत अच्छी है, लेकिन भाई जान आपके पास पैसे कहाँ से आते हैं? अब ये सब आप मत पूछिए, ऊपर वाले का करम है। मैं तो जिंदगी में शॉर्टकट ढूंढता हूँ, शॉर्टकट, और मैं वैसे भी बहुत अमीर बन जाऊंगा। तभी राघव घर पहुँचा। शॉर्टकट से तू भले ही अमीर बन जाएगा, लेकिन उन पैसों से तू कभी खुश नहीं रह पाएगा मेरे भाई। भाई जान, आप हमेशा ये सब बोलते हैं, क्या मिल जाता है आपको इतनी ईमानदारी करके? इतने सालों से आप क्या कर पाए हैं? जगदीश अक्सर ऐसी बातें करके अपने बड़े भाई का मुंह बंद कर देता था। राघव सही था, लेकिन क्योंकि उसे भी अभी तक कामयाबी नहीं मिली थी, इसलिए वो भी अपने भाई को कुछ बोल नहीं सकता था। राघव निहायत ही ईमानदार था। वो फिल्टर पानी का बर्फ खरीदता था और बर्फ गोले में डालने वाले जूस भी बेहतरीन किस्म के खरीदता था। अरे राघव भाई जान, इतने सारे सस्ते जूस हैं, तुम बेवजह महंगे जूस खरीद कर अपना नुकसान क्यों करते हो? क्योंकि मुझे लोगों के सेहत की फिक्र है। सस्ते जूस में केमिकल्स होते हैं, बच्चे उन्हें खाएंगे तो बीमार पड़ जाएंगे। मैं किसी के साथ भी ऐसा नहीं कर सकता। हाँ हाँ, तुम तो ईमानदार हो। लो अपने महंगे वाले जूस और फिल्टर वाला बर्फ। राघव कभी भी दुकानदार की बातों में नहीं आता था। राघव का बर्फ गोले का ठेला स्कूल के बगल में लगता था। स्कूल छोड़ते ही बच्चों का हुजूम राघव के ठेले पर लग जाता था। चचा जान, मुझे येलो वाला। मुझे रेड वाला। मुझे ग्रीन वाला चाहिए। और मुझे ब्लू। अरे अरे अरे, सबको मिलेगा। राघव बच्चों को रंग बिरंगे बर्फ गोले खिलाया करता था। बच्चे भी बड़े शौक से उन बर्फ गोलों को खाया करते थे। ये लो सरिता, इस माह की कमाई। ये तो कम है। हाँ, वो इस माह शरबतों की कीमत बढ़ गई है तो मुनाफा थोड़ा कम हुआ है। तो आप भी अपने बर्फ गोले की कीमत बढ़ा दीजिए ना। नहीं सरिता, अगर मैंने कीमत बढ़ाई तो छोटे बच्चे बर्फ गोला खरीद नहीं पाएंगे। लेकिन इससे हमारा नुकसान हो रहा है। कोई बात नहीं। ये सारी बातें जगदीश ने सुन ली। जय हो राजा हरिश्चंद्र की। भाई जान, आप कब सीखेंगे दूसरों से पहले अपनी भलाई करना? हा? मैं तो ये सीखने से रहा, तुम ही मेरी तरह लोगों की मदद करना सीख लो। नहीं नहीं भाई जान, आप अपना तरीका इस्तेमाल कीजिए और मैं अपना। मैं तो बहुत जल्द अमीर बन जाऊंगा शॉर्टकट से। ऊपर वाले के करम से तेरी वजह से किसी का नुकसान ना हो बस। दोनों भाई अलग थे, एक मशरिक तो एक मगरिब। एक रोज की बात है, राघव की बीवी सरिता को एक फोन कॉल आया और वो जोर जोर से रोने लगी। क्या हुआ सरिता? भाभी जान, क्या बात है? मेरी अम्मा की तबीयत बहुत खराब है। वो तुम फिक्र मत करो, हम अभी तुम्हारे मायके चलेंगे। राघव ने सरिता को बोल तो दिया कि वो उसे माँ के घर लेकर जाएगा, लेकिन फिर उसे अपने बर्फ गोले के ठेले का ख्याल आया। अरे जगदीश, क्या तुम कुछ रोज के लिए मेरा ठेला संभाल सकते हो? ठीक है भाई जान, वैसे भी फिलहाल मेरे पास कोई काम नहीं है और गर्मी का मौसम है। आपके गोले का ठेला बंद रहेगा तो बहुत नुकसान होगा। ठीक है, मैं चला लूंगा। अच्छी बात है, और याद रखना, फिल्टर वाली बर्फ और महंगे वाले जूस ही खरीदना, सस्ते वाले केमिकल से भरे होते हैं। हाँ ठीक है भाई जान, याद रखूंगा। राघव अपनी बीवी सरिता के साथ उसके माँ के घर चला गया। यहाँ जगदीश ने बर्फ गोले का ठेला खोला। चाचा जान, मुझे रेड कलर। मुझे येलो। चाचा जान, वो दूसरे वाले चाचा जान कहाँ गए? वो चाचा गाँव गए हैं, कुछ रोज में लौट आएंगे। मुझे तो रेड येलो दोनों रंग के गोले चाहिए। ठीक है बेटा। जगदीश ने सारे बच्चों को रंग बिरंगे गोले दिए। ऐसे ही रोज जगदीश गोले का ठेला खोलकर गोले बेच रहा था। फिर उसने देखा कि जूस की बोतल खत्म हो रही थी। कल सुबह सुबह आने से कबल जूस खरीदना होगा। वो बच्चों को बर्फ गोले बनाकर खिलाता रहा और दिन खत्म होने तक उसकी जूस की सारी बोतलें खत्म हो गई।
अगली सुबह जगदीश जूस के होलसेल की दुकान पर पहुंचा। हर रंग की एक एक बोतल दे दो भाईजान। 100 रुपए वाली दूं या 50 रुपए वाली? अरे दोनों में क्या फर्क है भाईजान? कुछ ज्यादा नहीं है, लेकिन मुनाफे में बहुत ज्यादा फर्क होगा। जगदीश हमेशा पैसों का ही सोचता था। उसने बगैर ज्यादा सोचे सस्ते वाले जूस खरीद लिए। सस्ते वाले दे दो। ये लो भाईजान, और मेरे यहाँ सस्ता वाला बर्फ भी मिलता है। क्या फर्क है सस्ते वाले और महंगे वाले बर्फ में? सस्ता वाला बर्फ बगैर फिल्टर वाले पानी का है, लेकिन वो भी साफ पानी का ही है। ठीक है, तो वही दे दो। जगदीश ने सस्ता वाला बर्फ और सस्ते वाले रंग खरीद लिए। रोज की तरह उसने अपना ठेला खोला और बच्चों का हुजूम लग गया। मुझे रेड और ग्रीन गोला चाहिए। चचा जॉन, मुझे ब्लू गोला चाहिए। ठीक है बच्चों। जगदीश ने बच्चों को सस्ते वाले रंग और बर्फ के गोले दिए। दिन भर बच्चे गोले के ठेले पर गोला खरीदने आ रहे थे। जगदीश गोला बनाए जा रहा था। आज मुनाफा दुगना हो रहा है। काश भाईजान भी पैसे कमाने का शॉर्टकट सीख जाएं। मालूम नहीं ईमानदारी करके क्या हासिल होगा। शाम को जब जगदीश ने ठेला बंद किया, तब वो मुनाफा देखकर बेहद खुश हुआ। अगले कुछ रोज तक जगदीश सस्ते वाले बर्फ और रंगों का गोला बेचता रहा। फिर यकायक उसके ठेले पर कम बच्चे आने लगे। चचा जान, एक येलो वाला। क्या हुआ बेटा, आज तुम्हारा दोस्त कहाँ है? चचा जान, वो ना बीमार है। क्या हुआ उसे? उसे हैजा हुआ है चचा जान। हैजा तो पानी से फैलने वाली बीमारी है। फिर जगदीश ने एक दूसरी बच्ची से भी पूछा। बेटा, तुम्हारी दोस्त कहाँ है? चचा जान, वो बीमार है, उसे हैजा हुआ है। अब जगदीश डर गया। कहीं इन बच्चों को हैजा मेरी वजह से तो नहीं हुआ? सस्ता वाला बर्फ आलूदा तो नहीं? वो उलझन में था। उसे डर भी लग रहा था कि हैजा उसी की वजह से फैला होगा। उसने फौरन अपने भाई को फोन लगाया। भाईजान, मुझसे एक गलती हो गई। क्या हुआ? मैंने आपकी बात नहीं सुनी और सस्ती वाली बर्फ और जूस खरीदा, और भाईजान शायद मेरी वजह से बहुत सारे बच्चों को हैजा हो गया। क्या? अब मुझसे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मैंने तुझे मना किया था ना ये सब करने से। अब देख, तेरी वजह से मासूम बच्चे बीमार हो गए। मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा था भाईजान, मुझसे गलती हो गई। अब मैं क्या करूं? सबसे कबल वो सारे जूस और बर्फ फेंक दो, और आइंदा से कभी भी ऐसा मत करना। हाँ ठीक है भाईजान। जगदीश ने सारे जूस और बर्फ नाली में फेंक दिए। उसे बच्चों के बीमार होने का अफसोस हो रहा था। आज के बाद मैं कभी भी ऐसा कुछ नहीं करूंगा जिससे किसी को भी नुकसान हो। अरे थोड़े से लालच की वजह से बच्चे बीमार हो गए। आइंदा मैं कभी भी लालच नहीं करूंगा। मैं शॉर्टकट ढूंढूंगा। जगदीश के ख्यालात ही बदल गए। हमेशा पैसों के बारे में सोचने वाला और शॉर्टकट ढूंढने वाला शख्स अब ईमानदारी के रास्ते पर चल पड़ा।